नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। बिजनेस डेवलपर की बात यदि बात करें तो टी टेस्टर आपको इंडिया के अंदर बहुत मिल जाएंगे, बट दे आर नॉट डेवलपिंग देयर बिजनेस बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डेवलप द बिजनेस। बट व्हेन यू आर कमिंग विथ मी देन आई विल शो यू एंड आई विल ट्रेंड यू हाउ टू डेवलप द बिजनेस। एक मेरे पास ये सैंपल आया हुआ है आपके महाराष्ट्र से, शिवाजी हैंडोले एट थाने से आया हुआ है। थाने से काफ़ी चाय के सैंपल मेरे पास आते रहते हैं, वहाँ पे जो ब्रांड चलते हैं, हसमुख है, हसमुख की चाय है, सोसाइटी है, गिरनार है, लिबर्टी है, वहाँ पे जो चाय की दुकान है, एक वो नागौरी की चाय, काफ़ी वहाँ पे चाय की हॉट टी शॉप्स वगैरह चलती है। अभी तो महाराष्ट्र देखा जाए तो पूरी हिंदुस्तान पे छाया हुआ है, कहीं ना कहीं चाय के स्टार्टअप बिजनेस के अंदर जो महाराष्ट्र ने काम किया है वो शायद हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट ने नहीं काम किया है। एक उन्होंने नया रास्ता दिखाया है लोगों को कि चाय का बिजनेस जो होता है वो छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा बिजनेस होता है और लाखों रुपये लोग कमा भी रहे हैं चाय के बिजनेस में। अभी 5 बरस या 4 बरस से पहले यदि देखा जाए तो चाय के बिजनेस को, चाय की जो हॉट टी शॉप होती है उनको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, लेकिन जैसे बियर बार होती हैं उसी हिसाब से अभी चाय की भी जो बिजनेस है वो बेटर वे में डेवलप हो रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि बिजनेसमैन वगैरह जितने भी हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग आने वाले फ्यूचर के अंदर में हम चाय की बहुत अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट इस टाइप के डेवलप करने वाले हैं जहाँ के बिजनेसमैन अपने बिजनेस को जाके बेटर वे में डिस्कस कर सकते हैं, तरीके से बात कर सकते हैं। अभी तक जो भी रहा है एक बियर बार का या आपके बार का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें दारू पी जाती है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी भाई बिजनेस के डिस्कशन दारू पी कर करें, चाय पी के करिए आप बेटर से बेटर वे में। चाय जो मेरे पास में आई है थाने से काफ़ी अच्छी अपर आसाम की चाय है, इसके अंदर में बीओपीएशियम के दाने हैं, नियर अबाउट 60% 40% आपके बीपी के हैं। जो चाय अपर आसाम की आती है वो काफ़ी क्रिस्पी रहती है, मानी जैसे पापड़ होता है, पापड़ की तरह चाय होती है। जब अपर के अंदर में मैश होती है, एक दूसरे से रगड़ा खाती है या एक दूसरे से मिलती है, कहीं थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो उस चाय का डस्ट बन जाता है। तो ये चाय काफ़ी शिवाजी हिंडोले ने भेजी है। चाय जितनी टेस्टिंग के अंदर हार्ड है, लीकर बहुत अच्छा उनका आया नहीं है, ये मैं बोलूँगा। चाय चेंज होती जा रही है, कलर में चेंजिंग हो रही है। जब स्टार्टिंग हुई थी चाय की तो चाय में जब मैंने दूध मिलाया था तो चाय स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बट जब ये चाय थोड़ी देर हो गई है तो कहीं ना कहीं डाउन हो गया है लीकर। बट राजस्थान का जो मेरा वीडियो था उस वीडियो में आप देखोगे कि शाहपुर की जो चाय थी काफ़ी अच्छी थी, उसको जाके आप देखिएगा जरूर से उस वीडियो को। आपको भी चाय का यदि बिजनेस करना हो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं 8910860541। हमारा दूसरा नंबर है 8100921233। आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, टीम पर फ़ोन कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, मैं भी बात करूंगा आपके साथ में। कमेंट ज़रूर से करिए आपको ये वीडियोस टेस्टिंग के कैसे लग रहे हैं, यदि मेरे को रेगुलर वे में आप भी अपनी एरिया की चाय का यदि हमारे टेस्टिंग रूम से वीडियो बनवाना चाहते हैं आप अपना सैंपल भेजिए। चाय आपको हमेशा चाय मिलेगी हमारी यहाँ पे, चाहे अपर आसाम की हो, लोअर आसाम की हो, डुवार्स की हो, साउथ की हम चाय नहीं बेचते हैं। इसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं उसका लीकर डाउन रहता है और सारी बातें रहती हैं। आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए यदि महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं, आपस के अंदर में शेयर करिए वीडियो को कि चाय के बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट कर सकें। और जो एडेंट्रेशन अपने थाने में होता है बिरार से लेकर सेंट्रल मुंबई तक देखा जाए, नियर अबाउट 30,000 से 40,000 चाय की दुकानें हैं, वहाँ पर कलर मिला के चाय की दुकानों पर बेचा जाता है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं उन भाइयों से कि प्लीज़ कलर मिला कर चाय को ना बेचें, कहीं ना कहीं वो कैंसर का
रीजन बनती है, तो हमारी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आप यदि चाय भी बेचते हैं, हॉट टी भी बेचते हैं, आप हमसे संपर्क करिए, आपको एक बेस्ट रेट के अंदर में हम चाय देंगे। 10 पैसे के लिए, 15 पैसे के लिए, किसी की जिंदगी के साथ में मत खेलिए। इन्हीं सब बातों के साथ में आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और आपके सारे प्यार के लिए। थैंक यू।